हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी इंट्रूडर 150cc बाइक के बारे में, जिसको बनाया गया है। प्रीमियम बाइक है 1800cc की सुजुकी इंट्रूडर, जो इंडिया में बहुत पहले लॉन्च हो चुकी है, उसके जैसा इसको बनाया गया है। लेकिन दोस्तों खाली जो स्टाइल है, लुक है, वो उसके जैसा है। बाकी इंजन वगैरह हमें वही पुराने वाला इंजन मिलता है जो आपको सुजुकी जिक्सर में मिलता था, 150cc का इंजन। तो दोस्तों इससे पहले कि हम गाड़ी के इंजन और गाड़ी की प्राइस माइलेज के बारे में बात करें, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी का इंजन वही पुराने वाला इंजन है, और गाड़ी का खाली लुक चेंज करके दिया गया है, और इंजन की सीसी है जो है 154.9 सीसी का इंजन है, और इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा इंजन का जो ताकत है वो है 14.8 PS एट 8000 RPM, और गाड़ी का जो टॉर्क है वो है 14 Nm एट 6000 RPM। और ये जो आप वेरिएंट देख सकते हैं, ये है कार्बोरेटर वेरिएंट, जिसमें आपको 5 गियर मिलेंगे। और आप दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी का जो गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, और पीछे से जो लुक देखने को मिलता है, जो गोल्ड राउंडेड पीछे का मडगार्ड है, वो मुझे हायाबुसा की याद दिलाता है। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के ब्रेक्स और टायर के बारे में। तो दोस्तों ये वाला वेरिएंट आप देख सकते हैं, ये ABS वेरिएंट है, जिसमें आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलेगा। पीछे और सामने के दोनों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, और सामने के डिस्क ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो उसका साइज़ है 266 mm, और पीछे का डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ है 220 mm। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ इंट्रूडर लिखा हुआ है, पीछे सुजुकी का नाम दिया है, दोनों तरफ दिया गया है, और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और पीछे का जो टायर आपको मिलेगा वो मिलेगा 140x60 17 इंच का है, ये है ट्यूबलेस टायर, और सामने का टायर है वो है 100x80 17 इंच का मिलेगा। और दोस्तों बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन और फ्रंट सस्पेंशन की। तो रियर सस्पेंशन आपको मिलेगा स्विंग आर्म टाइप का सस्पेंशन, और सामने का सस्पेंशन जो है वो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो नॉर्मल गाड़ियों में दिया जाता है सुजुकी की। देख सकते हैं गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और जो सामने की जो लाइट है हेडलाइट, वो सेम टू सेम बड़ी वाली गाड़ी जो 1800cc की है उसके जैसा दिया गया है। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है सुजुकी ने कि 150cc की बाइक में ABS दिया है इन लोगों ने, और अप्रैल 2018 से हर 125cc की बाइक से ऊपर की कोई भी बाइक है उसमें ABS रहना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे अच्छी चीज़ जो गाड़ी की लगती है वो है इसका ट्विन एग्जॉस्ट वाला साइलेंसर। दोस्तों ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आप देख सकते हैं गाड़ी की सीट काफ़ी लंबी है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, और जो पिलियन बैठता है उसके पकड़ने के लिए ग्रैब रेल भी पीछे दिया गया है, और पीछे की जो टेल लाइट है बहुत ही अच्छी दिख के आती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी की जो लेंथ है काफ़ी लंबी है, और बात करूँ गाड़ी के डायमेंशन की तो गाड़ी का जो लेंथ है वो है 2130 mm, विड्थ है 805 mm, हाइट 1095 mm, व्हील बेस 1405 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का है 170 mm, जो बहुत ही अच्छा है। सीट की हाइट अराउंड 740 mm है, और वेट है 148 किलो, और फ्यूल टैंक का साइज़ है 11 लीटर। और फ्यूल टैंक की बात करूं तो 11 लीटर का आपको फ्यूल पेट्रोल मिल जाएगा, और जिसमें आपको माइलेज अराउंड मिलेगा 45 to 48 km/L जो कंपनी बताती है, लेकिन मेरे हिसाब से 40 किलोमीटर का माइलेज मिल ही जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की। आपको सिस्टम कंट्रोल पूरा डिजिटल मिलेगा, आपको हर चीज़ इसमें डिजिटल मिलेगी, और इंडिया में बहुत कम बाइक है 150cc सेगमेंट में जिसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंट्रोल मिलता है। अब देख सकते हैं पेट्रोल टैंक के ऊपर एक कार्बन फाइबर के जैसा ढक्कन के जैसा कुछ दिया गया है, और लेफ्ट साइड में सुजुकी का प्रीमियम जो क्वालिटी का है वो एम्बलम दिया गया है, उसका सिंबल दिया गया है, और ये है किल स्विच आप देख सकते हैं राइट साइड में। और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है स्विचेस वगैरह की, और चाबी आप देख सकते हैं सामने लगाई जाती है, और सीट कंफर्ट मैंने आपको बताया, सीट काफ़ी अच्छी है और दिखने में बाइक बहुत ही अच्छी लगती है। सस्पेंशन आपको बताऊं तो मैं सामने का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और पीछे का है स्विंग आर्म टाइप का सस्पेंशन है। बार बार मेरी नज़र गाड़ी के पीछे की लाइट और इसके जो ट्विन एग्जॉस्ट पे जाती है। और दोस्तों गाड़ी की अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो मैं आपको दिल्ली एक्शोरूम का प्राइस बताऊँगा, जो है 99,905, और ये एक्शोरूम प्राइस है। अगर आप कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं तो कम या ज़्यादा हो, 1-2 या 3 हज़ार रुपये ज़्यादा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। और आप अगर गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा अराउंड 1,15,000 से 1,20,000 तक। तो
तो दोस्तों इंडियन मार्केट में अगर मैं ये गाड़ी का कंपटीशन किसी बाइक के साथ रखूँ तो वो होगा बजाज एवेंजर 220cc। बजाज एवेंजर 220cc बहुत ही सक्सेसफुल क्रूजर रही है और आज भी है, मैंने खुद यूज़ की है। ये गाड़ी को मैं वैल्यू फॉर मनी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ABS के अलावा और कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं मिल रहा है जो मुझे दूसरी गाड़ियों में 150cc सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं मिलता है। और दोस्तों ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,20,000 तक। अगर मैं दिल्ली एक्सरूम की बात करूँ तो इसका प्राइस है 99,995 रुपीज़ और ऑन रोड आपको अराउंड आ जाएगा 1,15,000 से 1,20,000 तक। और बजाज एवेंजर आपको 10,000 से 15,000 कम महंगी पड़ेगी इससे। और वो गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है, अराउंड 18 से 19 BHP पावर मिलता है। और जहाँ इसमें गाड़ी में आपको मिलेगा 14.5 BHP का पावर इसमें मिलेगा आपको। तो दोस्तों अगर आपने पहले ही ये गाड़ी ले रखी है तो हमें बताइए कि गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, गाड़ी का इंजन कैसा है, कैसा माइलेज आपको मिल रहा है और क्या आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को रिकमेंड करना चाहते हैं जो ख़रीदना चाहते हैं गाड़ी को। तो दोस्तों अगर मैंने ये वीडियो में कुछ मिस कर दिया, आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन जो आपको नीचे देख सकते हैं उसको दबा दीजिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का आइकन है उसको दबा सकते हैं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, कल एक फिर वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ और हमेशा अपना हेलमेट पहन के चलाइए बाइक। बाय बाय।